एक वक्त था जब पूरी मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने अपना जाल फैला रखा था और इस जाल में बॉलीवुड भी बुरी तरह फंस चुका था। कई बड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उठना बैठना था। अंडरवर्ल्ड के कई डॉन का दिल बॉलीवुड की अभिनेत्रियों पर फिसला तो उसे हासिल कर लिया, लेकिन अजीब बात यह है कि जिस भी अभिनेत्री का नाम किसी डॉन से जुड़ा तो उसका करियर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जो ऊंचाइयों को छूने के चक्कर में अंडरवर्ल्ड के दलदल में फंसी और अपना करियर चौपट कर लिया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों के विषय में जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ता बनाया जिसके बाद उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से चौपट हो गया। इस लिस्ट में पहला नाम आता है अभिनेत्री मंदाकिनी का। साल 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी। इस फिल्म में यास्मीन जोसेफ यानी कि मंदाकिनी बड़े पर्दे पर छा गई थी। मंदाकिनी 90 के दशक में फिल्म के अलावा अपने अफेयर की खबरों को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही। कई हिट फिल्म देने के बाद भी मंदाकिनी का करियर उस तरह नहीं चमक पाया। मंदाकिनी का नाम उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था। इस रिश्ते को हवा तब लगी जब मंदाकिनी और दाऊद की एक तस्वीर सामने आई जो कि शारजाह में एक मैच के दौरान खींची गई थी। हालांकि मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका दाऊद से कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद नंबर आता है बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी का, जिन्होंने अपने फिल्मों से ज़्यादा दाऊद के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से प्यार के चलते चर्चा में रही। इसी प्यार के चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा। एक इंटरव्यू में मोनिका ने बताया था कि अबू सलेम ने उन्हें अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में नहीं बताया था। यहाँ तक कि अबू ने मोनिका को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। इसी के चलते मोनिका उसके प्यार में पड़ गई थी। हालांकि मोनिका के मुताबिक जब उन्हें पुलिस ने पकड़ा था तब जाकर उन्हें सच्चाई का पता चला। मोनिका का फिल्मी करियर भी कुछ खास नहीं रहा। जेल से बाहर निकलने के बाद वो टीवी पर नजर आई लेकिन यहाँ भी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई, जिसके बाद फिल्मी दुनिया से नाता टूट गया। अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ता रखने वाली एक और अदाकारा थी ममता कुलकर्णी। बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में खुद को स्थापित करने वाली ममता कुलकर्णी का नाता विवादों से रहा है। ममता ने जितनी तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी उतनी ही तेजी से उनका करियर भी खत्म हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो ममता का नाम अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं से जुड़ने लगा था। इतना ही नहीं, उनकी नज़दीकियाँ ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से बढ़ने लगी थी और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। 2016 में ममता कुलकर्णी को केन्या एयरपोर्ट पर पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में ममता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना और हाजी मस्तान का रिश्ता भी खूब चढ़ा। हाजी मस्तान ने सोना को पहली बार अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म में देखा था और उसी वक्त उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। शादी का प्रस्ताव लेकर हाजी मस्तान सोना और उनकी मां के पास पहुंचे। सोना ने हाजी मस्तान के शादी के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी हुई लेकिन डॉन की मौत के बाद सोना को बदहाली से गुजरना पड़ा। इन सब के अलावा एक नाम और है, अनीता अयूब। पाक मीडिया के मुताबिक अनीता अयूब पाकिस्तान की अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिनका नाम दाऊद के साथ जुड़ा। दाऊद और अनीता के प्यार के बारे में लोगों को तब पता चला जब निर्माता जावेद सिद्दीकी की निर्मम हत्या हो गई। इस हत्या के पीछे कारण यह बताया गया कि जावेद ने अनीता को फिल्म में साइन करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।